महोदय जी, आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो यहाँ पे प्रदर्शन किया है, क्या उद्देश्य है इसका? सीधा सीधा उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही किसान, महिलाओं, व्यापारी, नौजवान साथियों, गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। इन्होंने इतनी तानाशाह सरकार चलाई है जिससे आज पूरा जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के मद्देनज़र कि आज बिल्कुल इन्होंने सारी मानवता तार तार कर दी शांतिपूर्ण ढंग से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लखीमपुर खीरी में हुए हादसे में किसानों से मिलने जा रहे थे, जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा लिया गया है। आज समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। अगर तत्काल प्रभाव से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ा गया तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम बहुत ही उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदार स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार है। क्या ये धरना ये बाहमी रहा है उत्तर प्रदेश पूरे में? पूरे उत्तर प्रदेश सरकार, जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ सरकार चल रही है वर्तमान सरकार भाजपा की, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा ये आह्वान किया गया है कि जो कार्यकर्ता जहाँ है वहीं अपना धरना शुरू कर दे। उसी के तहत हम लोगों ने धरना दिया है। पूरे प्रदेश में धरना हो रहा है, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है तत्काल प्रभाव से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को रिहा किया जाए। और मैं इस बात को ये मैं मतलब नसीहत देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि तत्काल प्रभाव से वो किसानों से भी वार्ता कर लें और उनकी जो समस्या है उनका हल निकालें, और जो किसान उसमें शहीद हुए हैं, जिनके साथ जिनकी हत्याएं कराई गई है, उनको समुचित उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को संतुष्ट किया जाए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।